है, किस तरह से आपके पास साक्ष्य और आपके इस साइंस के जरिए प्रूफ आप सामने रखते हैं। एएसआई ने सर्वे किया, इस सर्वे के दौरान एएसआई सर्वे को इजाजत मिली है। एएसआई सर्वे पर अब बड़ा फैसला आया, वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, तो बड़ी खबर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है। यानी देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहाँ पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कम्प्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल, कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु शंकर ऑर्डर के खिलाफ, अगर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। हो जाओ यार। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड बाय, इन फैक्ट यू नो, द हिंदू राइट बाय द वाराणसी कोर्ट? सी, द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हैज अलाउड the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time would it take to conduct the survey? I cannot predict the time frame. But this is a speculation that within... तो एएसआई सर्वे पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एएसआई को इजाजत दी है, कहा है कि सर्वे करिए और पता लगाइए क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह से वहां पर सबूत मिलते हैं, क्या कुछ जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर आप साइंटिफिक तरीके से जांच कीजिए। और यहां इस केस से जुड़े हुए वकील ने भी ये बयान दिया कि एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि रामलला जन्मभूमि पर भी एएसआई का सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही सबूत के तौर पर जब उसको पेश किया गया तब फिर अदालत ने उसको संज्ञान में लिया। और उसमें जैसा वकील साहब ने बताया कि 2002 में वो इजाजत दी थी, 2005 में रिपोर्ट आई थी, 3 साल का वक्त लग गया था, इलाका क्षेत्र बहुत बड़ा था। वहीं दूसरी ओर अगर ज्ञानवापी के इस मसले को देखें तो यहाँ ये एक तरह से कहें कि अपने अजम्पशन दी है, अपना एक अनुमान लगाया है वकील साहब ने कि 3 से 6 महीने का वक्त एएसआई को लग सकता है। एएसआई यहां पर सर्वे करते हुए पता लगाने की कोशिश करेगी, भूगर्भ वैज्ञानिक यहां पर आएंगे, साइंटिफिक तरीके से जांच होगी, पता लगाया जाएगा जो भी वहां पर चीजें मौजूद हैं वो चीजें क्या ये दर्शाती हैं कि इससे पहले भगवान शिव का क्या मंदिर हुआ करता था। और जो शिवलिंग को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है उसका भी कहें कि एएसआई की तरफ से पूरी तरीके से साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। और एक तरह से कहें कि एक पक्ष इस पूरे बड़े फैसले को अपने बढ़त के तौर पर देखता हुआ चल रहा है। ये फैसला बनारस वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि कैविएट भी दाखिल करेंगे, यानी कि चूंकि अब जब एएसआई की सर्वे की इजाजत दे दी गई है माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत की तरफ से, तो हो सकता है दूसरा पक्ष अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस एएसआई के सर्वे पर स्टे लगाने की बात करे। लेकिन अब उस संबंध में कैविएट लगाने की बात की जाएगी, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है इसको बहाल ही रखा जाए, इस पर किसी तरह की सुनवाई ना हो, अब ये देखना होगा। बहरहाल ये तो पूरी कानूनी पेचीदगियां या कानूनी प्रोसीडिंग्स का मसला बनता है, लेकिन बड़ी खबर इस लिहाज से आ जाती है कि ज्ञानवापी का मसला जो लगातार चल रहा है और दो पक्ष इसको लेकर अपने अपने तर्क के साथ, अपने अपने दावों के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, ये अब कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट में आज इस सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर आया सामने, जिसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि एएसआई सर्वे करेगी, किया है। और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में
ये टर्निंग प्वाइंट है। सर, ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा, ये जाति की जो लड़ाई आप लोग, ये जिस दिन तय कर देगा एएसआई अपनी जात में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है, और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर, हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है, स्ट्रक्चर एज नेचर उस जो है परिसर को जानने के लिए एसआई को उन्होंने आदेश कर दिया है, और बिना डैमेज किए जो है ये आप इसको जो है जांच आप करिए। सामने जो अभी तक छुपा के रखा था।